उद्धव बोले, बाला साहेब को दिया था वचन, अब जल्द पूरा हो शिव सैनिक को सीएम बनाने का सपना। अपनी ही सरकार पर लगाए बीजेपी विधायक ने भ्रष्टाचार के आरोप। बिहार में अतिक्रमण पर सरकार सख्त, अब सीसीटीवी से होगी निगरानी। पानी की शुद्धता पर विवाद, एनजीटी आदेश के खिलाफ आरओ निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, बीआईएस रिपोर्ट का किया जिक्र। दिल्ली में सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ 2310 रुपए में मिलेगा सीवर कनेक्शन। महाराष्ट्र में अब किसी भी वक्त सरकार बनाने का ऐलान हो सकता है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। इस बीच शिवसेना खेमे से बड़ी खबर सामने आई है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज मातोश्री में शिवसेना विधायकों के साथ बैठक में खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर लिया है। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने बाला साहब ठाकरे को एक दिन महाराष्ट्र में शिवसेना का मुख्यमंत्री देने का वचन दिया था, अब ये वचन जल्द पूरा होने वाला है। पीलीभीत के बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उनका एक सरकार विरोधी बयानबाजी का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल बीते दो दिन पहले पूरनपुर विधानसभा से बीजेपी एमएलए तहसील परिसर में एसडीएम के साथ पूर्ति निरीक्षक के कार्यालय जा पहुंचे और एसडीएम के दफ्तर में बैठकर उन्होंने अपनी सरकार पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिया। पूरनपुर एमएलए को किसी कार्यकर्ता के द्वारा राशन कोटेदारों की अवैध धन वसूली की शिकायत मिली, जिसके चलते वो कुछ शिकायतकर्ताओं के साथ ही पूर्ति कार्यालय पर छापेमारी करने पहुंच गए। उन्होंने वहां देखभाल कर पूर्ति निरीक्षक से मामले में जानकारी मांगी तो जानकारी नहीं मिली। इस पर विधायक ने कहा कि योगी की सरकार में भी भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा, अफसर बेलगाम होकर वसूली करने में लगे हैं, ये सब यहां नहीं चलेगा। ये कहकर बाबू राम पासवान अपना सर पकड़कर दफ्तर में ही बैठ गए। देखते ही देखते मौजूद लोगों ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। जल जमाव को लेकर फजीहत झेल चुकी नीतीश सरकार फिलहाल एक्शन में है। नालों के अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और अब नालों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना के पौश इलाके भी इस बार भारी जल जमाव से ग्रस्त थे, जिसको लेकर नीतीश कुमार को लगातार जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। जल जमाव के बाद मुख्यमंत्री ने लगातार जल जमाव क्षेत्रों का जायजा लिया और अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। जी हां, आपको बता दें कि बादशाही नालों पर फिर से अतिक्रमणकारियों का कब्जा ना हो, इसलिए सरकार सभी नालों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी, ताकि अतिक्रमणकारियों को नालों पर अतिक्रमण करने का मौका दोबारा ना मिल सके। राजधानी दिल्ली में पानी की शुद्धता का विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आरओ बनाने वाली कंपनियों ने साल मई में आए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी के एक आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय मानक ब्यूरो बीआईएस की रिपोर्ट में दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं बताया गया है, इसलिए इस बैन को हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने आरओ निर्माताओं को 10 दिन के अंदर अपनी बात मंत्रालय के सामने रखने को कहा है। वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान पर कई आरोप लगाए। संजय सिंह ने कहा, रामविलास पासवान ने आरओ कंपनियों के साथ दिल्ली को बदनाम करने के लिए डील की है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से एक हफ्ते पहले ये रिपोर्ट लाकर दिल्ली को बदनाम किया जा रहा है, जिसका सीधा फायदा और कंपनियों को मिलेगा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि अब सीवर कनेक्शन सिर्फ 2310 रुपए में मिलेगा। मैं पानी के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहता, निवेदन है कि कहीं गंदा पानी आ रहा है तो हमें बताइए, हम ठीक करेंगे। मेरा मकसद दिल्ली के लोगों को साफ पानी पहुंचाना है, मेरा तूतू में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमने कोशिश कर 2300 से घटाकर 700 इलाके हैं जिसमें गंदे पानी को ठीक कर चुके हैं।